हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, बागेश्वर दम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्फॉर्मेशन, मतलब कि उनकी लाइफ इन्फॉर्मेशन है। तो देखते हैं वीडियो कैसी है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों रहते नहीं। चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। हियर वी गो, लेट्स सी, देखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की लाइफ इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज के बारे में। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्णा महाराज के चर्चे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, क्योंकि जब ये अपना दिव्य दरबार लगाते हैं तब जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को इनके पास लेकर आता है तो उनके बताने से पहले ही धीरेन्द्र महाराज अपने पर्चे में उनकी परेशानी लिख कर उसका समाधान निकाल देते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र महाराज बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही भगवान हनुमान जी की कठोर तपस्या की है और भक्ति की है और उनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया है। कुछ सालों पहले इनके पास दो वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे, पर आज ये इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं कि जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आगे हम आपको धीरेन्द्र कृष्णा महाराज की लग्जरियस लाइफस्टाइल, कार कलेक्शन, नेटवर्थ और इनके पूरे सफर की भी कहानी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो इनका पूरा नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज और इनका बॉर्न 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर में एक छोटे से गाँव में हुआ। 2023 के हिसाब से 26 ईयर्स के हैं। आइए अब हम जानते हैं इनके एजुकेशन के बारे। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्णा गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। अपने गांव से ही 8th क्लास तक की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से 5 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव तक चलकर जाया करते थे। 12th क्लास तक पढ़ने के बाद इन्होंने आगे पढ़ाई, पर कई वजह से ये बीए तक ही पढ़ पाए। आइए अब हम बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्णा बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथ पढ़ा करते थे। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ये वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने दादाजी के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों को सीखना शुरू कर दिया था और इन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दरबार भी लगाने लगे थे। इसी कारण कम उम्र में भी लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। ये दूसरे लोगों की भी सेवा करते थे। धीरेन्द्र कृष्णा महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का घर में उपयोग नहीं करते थे। धीरेन्द्र कृष्णा महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाकर रखा और मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बचपन से ही भक्ति करने के कारण इन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त है। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज जी को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं जाती है। यह लोगों की समस्या उनके बोलने से पहले ही बता देते हैं और समस्या का निवारण भी कर देते हैं। इसी कारण लोग श्री धीरेन्द्र कृष्णा महाराज को चमत्कारी महाराज और बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जानते हैं। इनके भव्य दरबार में लोग बड़ी दूर से आते हैं। लोग भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व से यहाँ के दरबार में आते हैं। बागेश्वर महाराज अपने दरबार में कुछ ऐसे चमत्कार करते हैं जिसे देख लोगों के मन में इनके प्रति आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं धीरेन्द्र कृष्णा महाराज जी की फैमिली से। इनके पिताजी का नाम है श्री राम कृपाल गर्ग, इनकी माताजी का नाम है श्रीमती सरोज गर्ग, इनके दादाजी का नाम है श्री भगवान दास गर्ग। इसके अलावा इनका एक भाई और एक बहन भी है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं धीरेन्द्र कृष्णा महाराज का कार कलेक्शन। दोस्तों, वैसे तो महाराज के काफिले में हजारों गाड़ियां चलती है, पर इनकी जो 3 प्राइवेट कार है उसमें सबसे पहली कार आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी प्राइस है 35 लाख रुपए। इनकी जो दूसरी कार है उसका नाम है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसकी प्राइस है 19 लाख रुपए। इनकी जो तीसरी कार है उसका नाम है टाटा सफारी, जिसकी प्राइस है 15 लाख रुपए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्णा महाराज के इनकम के बारे में। तो इनकी जो प्रतिदिन की इनकम है वो है 8,000 रुपए, इनकी जो महीने की इनकम है वो है 3.5 लाख रुपए और इनके सालाना इनकम है 40 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये था बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्णा जी महाराज का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। हमें भी सब्सक्राइब कर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। तो कैसी लगी आपको? बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वीडियो लगी और मजा आ गया। देखिए, 3 कार्ड है इनके पास और ज्यादा नहीं है, मतलब ये चाहते तो 100 कार खड़ी कर सकते थे, लेकिन अच्छे कामों में ज्यादा पैसे लगाते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आपको रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।